क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही ना दे? ये कैसे हो सकता है? जब भी हम किसी नए वायरस के बारे में सुनते हैं तो अक्सर हम ये देखते हैं कि वो वायरस की शुरुआत किसी तरह या तो किसी चाइनीज लैब में हुई होती है या किसी चाइनीज फार्मास्यूटिकल कंपनी में, जिससे हादसा हो गया है। हाल ही में खबर आई है कि चाइना में रकून वायरस तैयार किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, ये वायरस खुद नहीं फैला है, इसको तैयार किया जा रहा है। और इसको तैयार करने के बाद तब तक रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक वो कंपनीज की वैक्सीन ना बना ले। एक बार वैक्सीन तैयार होने के बाद इस वायरस को फैला देना उतना ही आसान है जितना कोरोना को फैलाना था। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पहले बीमारियों को इन्वेंट करती है और उसके बाद उसकी दवाइयों को, क्योंकि ये तो तय है कि व्यक्ति बीमारी से बचने के लिए दवाई लेगा ही, और यही उनका असल धंधा बन जाता है। रिसर्च के नाम पर हुई गलतियों से ये पैसा बनाते हैं, क्योंकि ये कंपनीज इस पैसे से बहुत बड़ा मुनाफा कमाती है और इसी मुनाफे पर चाइनीज सरकार टैक्स के रूप में मोटी रकम भी वसूलती है। इसलिए इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर कभी भी छापेमारी नहीं की जाती और सरकार की तरफ से इन्हें जितना हो सके उतना सपोर्ट भी दिया जाता है। ये सब हम कोरोना वायरस के समय पर देख भी चुके हैं, और उस समय भी कई साइंटिस्ट जो इस बात को लेकर सामने आए थे उन्हें या तो चुप कर दिया गया था या वो आकस्मिक रूप से गायब हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध गोली बारूद या न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि उसकी शुरुआत होगी एक वायरस से, क्योंकि आजकल बायोलॉजिकल वेपन्स को इस्तेमाल करना आसान हो गया है और ये सीधे किसी की देश के इंटरनल सिस्टम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। चाइना के लैब में ऐसे वायरस आए दिन बनते ही रहते हैं, पर अब ये लोग सुपर सोल्जर्स भी बनाने की ओर काम कर रही हैं। आपको बता दें कि चाइनीज आर्मी ने कभी भी कोई युद्ध तो लड़ा नहीं है, इसलिए चाइना जानती है कि उनकी आर्मी केवल नाम के लिए बड़ी है और नंबर्स में बड़ी है। इसलिए चाइना के वैज्ञानिक पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी आपातकालीन स्थिति में अगर उनके सैनिकों को आगे लड़ना पड़े तो वो हार का सामना ना करे। इसलिए उनके सैनिकों के लिए ऐसे आर्मर तैयार किए जा रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने होंगे और हाई टेक्नोलॉजी से लेस किसी भी मीडियोकर सोल्जर को भी सुपर सोल्जर बना सकेंगे। जहां इनोवेशन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वहीं इसके टेस्ट ठीक से होना बहुत जरूरी भी है। दोस्तों, ऐसे ही क्रेजी इन्वेंशन से भरपूर होगी मिस्टर इंडिया 2 भी। अब जाते जाते आपको एक आपके फायदे की बात जरूर बताना चाहूंगी। तो अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जॉब लिंक पर जरूर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए।